अब की बार लाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी व्लॉग में कि इसमें याद रह जाएगी मुझे कि इसमें छोले डलवाने। आज भी नहीं लाए, टिफिन भी दिया था। तो गाइज एक बार मार्केट में जा रही हूँ मैं, थोड़ा सामान लाना था, ज्यादा तो खैर कुछ नहीं लाना, बस वही घर का छोटा मोटा सामान और चीनू के लिए कुछ खाने के लिए इसने मंगवाए हैं छोले कुलचे। अगर मैं 4 बजे तक मार्केट में रही तो भाई ले आऊंगी, वरना 4 के बाद तो छोले कुलचे मिलते नहीं है। चीनू को मैंने ये बोल दिया, पर क्या बोलती है कि हर बार आप ऐसे ही बोलते हो और लेके नहीं आते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेके नहीं आती हूँ, बस मिलते ही नहीं भाई 4 के बाद छोले कुलचे। इसकी डेली शिकायत रहती है मेरे से कि आप जान पूछ के नहीं लाते, बता दो अब नहीं लाती मैं छोले कुलचे। देख लो भाई, अब की बार लाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी व्लॉग में कि ये ले छोले कुलचे। मैंने ये बोल दिया है अगर 4 से मैं लेट होगी तो नहीं ला पाऊंगी, ये मैंने बोल दिया है। तो आप पहले लेके रख लो ना। ये भी आइडिया ठीक है, आइडिया तो है तेरे पास, खाने के मामले में तो भाई चटोरी है ये पूरी। कह रही है पहले लेके रख लो, पर बात इसकी ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी मैं निकल रही हूँ और चीनू का आइडिया बहुत अच्छा है, इसको मैं पहले लेके रख लूंगी। इसने मेरे को बता दिया आप ना लेके रख लो, आप लेके रखो 4 से पहले। भाई ठीक है। सो गाइस, मैं मम्मी को ना इसमें से टिफिन दे देती हूँ, क्योंकि जो वो छोले कुलचे वाले होते हैं वो पत्थर में देते हैं, उसमें लीक हो जाए। मैं लीक भी नहीं होगा और आज मेरे छोले कुलचे फाइनली आ ही जाएंगे इतने दिनों से। टिफिन इसमें ले आना, ले आना। देख आप लो एडवांस में टिफिन, देख लो इसके काम। उसमें पत्तल में लीक हो जाता है ना, पत्तल में डोंगे होते हैं, पत्तल नहीं होती। जो भी है उसमें लीक हो जाता है ना, तो भाई आज लेके आना है, मुझे नहीं पता। देख लो भाई कितनी सयानी है ये खाने के मामले में, पूरी चटोरी है ये। मतलब टिफिन दे दिया मुझे कि इसमें याद रह जाएगी मुझे कि इसमें छोले डलवाने। हाँ ठीक है, हाँ समझ लेके आना। ठीक है, तो लेके आने पड़ेंगे, वाने चलेंगे ही नहीं। छोले कुलचे ले आऊंगा, ज्यादा तूने अगर और एक दो बार कही ना तो लेके नहीं आऊंगा। हाँ नहीं बोल रही पर ले आना। नहीं बोल रही और ले आना, ये नाम तो नहीं लिया ना, ले आना छोले कुलचे। लाऊंगी नहीं मैं, ऐसे बोलेगी तो ऐसे तो बहाने बना रहे हो, ये तो गलत बात है। बहाने तू बना रही है। ओहो दिख रहा है वो तो ऑडियंस को। तो भाई मम्मा अभी जा रही है और आज मेरे छोले कुलचे आगे रहेंगे। वैसे मैंने कल भी खाए थे पर आज भी खाऊंगी। क्या कुछ नहीं, बाय बाय। तो गाइस निकल गए हम, देखो गाइस कितना जाम लगा हुआ है। हम घर पे कम से कम 1-1.5 घंटे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on. So guys, car stand लेने आए हैं। ये देख लो इसको कौन सा पसंद आएगा। क्वालिटी में ना ठीक देना एक ही बार। देखो भाई ये कार स्टैंड ले रहे हैं भैया, लोकेशन देखने के लिए ये ठीक रहेगा। डैशबोर्ड में चिपका सकते हैं, डैशबोर्ड पे लगता है, हाँ ग्लास पे लगता है, डैशबोर्ड पे कोई सा नहीं लगता। भाई सब्जी लेनी है मेरे को यहाँ से, तो एक दो सब्जी ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या मिलेगा, क्या मतलब लेने का मन है भाई, पता नहीं। भिंडी मैंने कल बनाई थी, अरबी कैसे थी, ये करेला भाई करेला ले लेती हूँ, ये वाला सही लग रहा है। आधा किलो कर दो भैया, छोटे वाले डालना, ज्यादा बड़े मत डालना, ये साइज, और खराब भी मत डालना। तो भाई खरबूजे लिए और तरबूज लिया है, खरबूजे कहाँ है हमारे, ये रे ले लिए। चलो भाई सब्जियां ली हैं, दो तरबूज लिया है, खरबूजे लिए हैं, और अब निकलेंगे घर के लिए, लेट हो चुके हैं हम। तो भाई आ गए हैं घर पे, 9:30 हो रखे हैं। और ये इसको देखो, हीरो को, हीरो क्या है, क्या है हीरो, क्या चाहिए, ये लो वाला पकड़ लो, लाओ। तो भाई चावल बना रखे हैं, मैंने बोल दिया था फोन पे कि चावल बना लेना। किसने बनाए, किसने बनाए, ये देखो भाई चावल बना दिए इन्होंने आज। तो भाई चल रही है चावल पार्टी, आज इन्होंने टाइम से चावल बना दिए, मैंने इनको फोन किया कि मैं लेट हो जाऊंगी चावल बना दो, तो भाई इन्होंने बना दिए, थैंक यू सो मच दोनों का। और अच्छे बना रखे, देखो शक्ल से अच्छे लग रहे हैं।
बनाए तो मैंने, इसने बस चॉपिंग करी थी। तो ठीक है ना, हाथ तो दोनों के लगे हैं ना। मेरे हाथ से प्याज कट जाए वो भी बहुत है। और क्या, और अगर इसके हाथ से चावल बन जाए ना वो तो भाई बहुत सोने पे सुहागा है। अगली बार ऐसे ही करिए। मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ तेरे से ज्यादा, तेरे से ज्यादा चीजें बनाने भी मुझे ही आती है। और स्वाति बहुत अच्छा गिराती है, लैपटॉप पे गिरा दिया और उंगली से पूछ रही है दबा दबा के। गलती से गिरा, अगर मेरे से गिर जाता ना तो यही चपेट आता मुँह पे। तो गाइस गौर से देखो इस शक्ल को, जो बोल रही थी मैंने टिफिन भी दिया था लाना। मुंह मत छुपाओ, मुंह छुपाने से क्या होता है। मम्मा, मैं हमेशा हर एक लोग भी बोलती मेरे छोले कुल चलाओ, छोले कुल चलाओ, मम्मा कभी नहीं लाती। आज मम्मी ने बोला था पक्का लाऊंगी और आज भी नहीं लाए, टिफिन भी दिया था। लाए क्या, लेट हो गए वही। और वैसे सच बताऊं मुझे ध्यान भी नहीं रही, रस्ते में ध्यान आई। हाँ फिर एक दो दुकानें देखी, कहीं दिखाई नहीं। दुकान भी होता है छोला कुलचा? अरे वो तो होती है उनकी, वो दुकान ही होती है वो उनकी। छोला, एक छोला खाओगी, छोला कुलचा उनका पूरा मटका होता है। मैंने सोचा इसमें चाट ही भरवा लूं, फिर चाट क्या भरवा, मैंने तरबूज और खरबूजे ही खरीद लिए, मैंने खुद से काट के खा लेगी। वाह ठीक किया, वाह मोदी जी वाह। व्लॉग में मैं अगले व्लॉग में फिर बोलूंगी गाइस, फिर देख लेना, मम्मी बिल्कुल नहीं लाएगी। अगले में तो मैं ले आऊंगी। हाँ हमेशा से यूं ही बोलते आ रहे हो, कभी नहीं लाते। मैं कहने का मौका ही नहीं दूंगी अगले में, देखते हैं। ध्यान रह जाएगी ना, वो टिफिन गाड़ी में पड़ा रहेगा जब, जब भी जाऊंगी वो दिखेगा मुझे। भाई सब कमेंट कर दो, आंटी जी छोले कुलचे स्पैम कर दो। तो गाइस चावल बहुत टेस्टी बने थे पर कम रह गए, तो भाई मैं अपने लिए दूध लाई हुई ग्लास भर के, और अभी दूध पीऊंगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और भाई जल्दी ही मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। गाइस गुड नाइट।